पर जितने लोग जुड़ गए एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब लोग वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलिए कह रहा आपसे किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है, बताइए किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है। कह रहे मनमाना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत और पदच्युत, इनमें से बताइए कि किसमें करण तत्पुरुष आपका नहीं है, करण तत्पुरुष समास नहीं है, किसमें नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है किसी का वन का सी आ रहा है और डी भी आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर भाई सी और डी में दोनों में टक्कर हो रहा है। यहाँ पर देखो दिया है मन माना, मन से माना, ईश्वर दत्त भी है, तुलसीकृत है, लेकिन यहाँ पर दिया है पदच्युत, मतलब क्या होता है उसको पद से क्या किया गया है, हटाया गया है। कुल मिला के देखा जाए कि यहाँ पर जो आपका हो जाएगा से शब्द आपका हो जाएगा, जो कि आपको अलगाव को दर्शाएगा, मतलब यहाँ पर आपका अपादानक बताएगा, है ना। चलिए यहाँ पर पारस त्यागी कह रहे हैं सर 4 अप्रैल के बाद जूनियर एडिट की तैयारी कराइएगा। जी हम एक क्लास आपकी स्टार्ट कर देंगे जूनियर एडिट की 4 तारीख के बाद, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रसाद सिंगला दिया है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का जो आपका पहला और दूसरा वर्ण होते हैं वो आपके होते हैं अघोष होते हैं। शेष आपके क्या होते हैं, सघोष होते हैं। मतलब यहाँ पर आपका जवाब भी मिल चुका है, कौन सा, ये वाला का है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका का है यही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद सिंगला दिया गया है यहाँ पर आपके 6 वाक्य दिए हैं और 6 वाक्य में आपको यहाँ पर अरेंज करना है ना, यहाँ पर कह सकते हैं अरेंज करना है, और किस प्रकार से किया था हमने कई बार आपको बताया भी है कि ये जो आपका पहला पॉइंट होता है अपनी जगह स्थिर होता है और ये भी आपका स्थिर होता है, बस यार अलावा कहीं क्या होता है, खेल होता है, इन्हीं को यहां पर अरेंज किया जाता है ना, इन्हीं का आपको होता है ना। अगर हम आपसे बोले तो इसको कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक तैयार होने चाहिए जो समाज कल्याण व राष्ट्र, मतलब रा के बाद यहां पर कह सकते हैं कि ला के बाद वा आया है और ला के बाद कहां है, तो यहां पर सी नंबर देखिए आपका मिल गया है ना। देखिए काफी लोगों के जवाब आ भी गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए यहां पर बताइए हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, किस अपभ्रंश से हुई है। चलिए 4 का जवाब देना है, बिल्कुल इजी है, बहुत बार आपने पढ़ा है, जवाब आ रहा है इसी नंबर सौर सैनी अपभ्रंश, बिल्कुल जवाब सही है, सौर सैनी अपभ्रंश से आपके यहाँ पर विकसित हुई है आपकी हिंदी खड़ी बोली, ठीक है ना। और सूरसेन नामक यहाँ पर राजा भी हुआ करते थे आपके मथुरा साइड में, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम से आपका पड़ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद सिंगला पूछा है यहाँ पर आपको दिया गया है 5 से 6 नंबर प्रश्नों में से प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्दों की विलोम आपको भरना है, मतलब यहाँ पर रिक्त स्थान में खाली स्थान आपको भरना है। कह रहे निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी बन जाती है, जड़मति पूछा गया है यहाँ पर, पूछा गया है जड़मति का, है ना, जड़मति का पूछा गया है, आपका विलोम पूछा गया है, तो बताइए जड़मति का जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, कोई जवाब दीजिए। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब उम्मीद से ज्यादा जवाब आ रहे हैं, हमने तो सोचा था कि इस प्रश्न का जवाब लगभग गलत देंगे, लेकिन यहाँ पर हद से ज्यादा जवाब आ रहे हैं, मतलब ठीक ठाक है। तो जड़मति का जो आपका होता है वो क्या होता है, सुजान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद सिंगला है अमावस्या, यहाँ पर अमावस्या का पूछा गया, अमावस्या का जो विलोम होगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो भैया आपने 2 ही चीज पढ़ी होगी, अमावस्या और आपकी पूर्णिमा, अगर अमावस्या है तो आपका इसको विलोम क्या हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा, जो कि आपका जवाब कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है सी नंबर, अमावस्या का विलोम क्या बनेगा, यहाँ पर आपका पूर्णिमा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद सिंगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग आपका जुड़ा हुआ है। कह रहे अनमोल दिया है, प्रख्यात दिया है, प्रतिकूल है और आपका नाराज दिया है। अब यहां पर बताइए कि उर्दू किस में है। तो देखो आपने अनमोल हमेशा पढ़ा भी होगा, इसको भी आपने पढ़ा, इसको भी पढ़ा है, मतलब आपके पास जब नया मिला है कोई, और नया क्या मिला है, नया मिला है आपका नाराज, नाराज में क्या है, तो आपका उर्दू उपसर्ग आपका जवाब यहां पर आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, मतलब निकलेगा ना, जो बड़ा ना है ये कैसा है, ये उर्दू उपसर्ग आपका है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रसाद सिंगला पूछा गया पूजा का विशेषण क्या होता है। चलिए 9 का जवाब देना है, अगर 9 का जवाब देते हैं तो यहां पर देखते हैं कि आपका जवाब कौन सा हो जाएगा। 9 का जवाब दिया गया है, चलिए पूजा का विशेषण क्या होता है, पूजा का क्या हो जाएगा, आरती हो जाएगा क्या, पूजा का क्या बनेगा, पूज्य हो जाएगा या पूजन बनेगा, पूज्य बनेगा या पूजन बनेगा। याद रखिए पूजा का विशेषण होता है पूज्य, जो कि आपका जवाब दिया गया है कहां पर, सी नंबर आपका यहां पर राइट बिल्कुल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जिसे आप लिखते हो पूजनीय माता विजया, है ना, माता जी, पूज्य पिताजी, ऐसे आपका होता है। आगे बढ़ते हैं, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद आपको बताना है, यहाँ पर आपका कैसा पद आपका दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या आपका दिया गया है, नीली कमीज वाला लड़का, यहाँ पर दिया संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण उपवाक, प्रधान उपवाक। अब देखो आपको एक पॉइंट देखना है, पॉइंट क्या देखना है, नीली दिया है ना, नीली, और नीला क्या है आपका, नीला होता है आपका, क्या होता है, विशेषण होता है, मतलब ये जो आपका दिया गया है वो आपका विशेषण उपवाक्य है, जो कि ऑप्शन कहां पर है, बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। देखो संज्ञा मत दीजिएगा, इसलिए मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर नीला शब्द आपको दे दिया ना, और नीला जो आपका होता है वो विशेषण होता है, कोई भी कलर होता है, है ना, इस कारण से यहाँ पर नीला क्या होगा, विशेषण हो जाएगा, अदर साथ में आपका यह उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यार आपसे यहाँ पर किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पद का प्रयोग हुआ है। सातत्य बोधक मतलब क्या होता है, सातत्य बोधक मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या बोल देंगे, बोलेंगे सत्यता को जो प्रतीत कर रहा है, सही सत्ता को बोला गया है वो आपका कौन सा है। तो कह रहे मैं रोज सुबह टहलने जाता हूं, तो यहां पर सत्यता से कोई मतलब आपका है नहीं है। दूसरा है वह स्नान करके मंदिर जाता है। अच्छा तीसरा दिया है विद्यार्थी पुस्तक में
बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं। फिर कहे मोहन अभी कक्षा में पढ़ रहा है। अब ये बताइए कि सत्य बोधक जो आपका पक्ष बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर मोहन अभी कक्षा में पढ़ रहा है, और भी कोई है? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर आ रहा है। सभी के जवाब मैक्सिमम यहाँ पर बी आ रहे हैं, मतलब आपका जवाब यहाँ पर दिया जाए लॉक करने की आपका स्थिति आ गई है। यहाँ पर आपका कौन, यहाँ पर आपका बी नंबर। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज ये है कि जो क्रिया लगातार होने की सूचना देती है, क्या होती है? जो क्रिया लगातार होने की सूचना देती है उसमें सत्यता बोधक होता है। क्या होता है? जो क्रिया लगातार होने की सूचना देती है उसे हम लोग सत्य बोधक कहते हैं। फिर यहाँ पर देखो कह रहा है आपका कौन सा, बी वाले में देखिए कह रहा है वह स्नान करके मंदिर जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दे रहे हैं मोहन अभी कक्षा में पढ़ रहा है, मोहन अभी कक्षा में पढ़ रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अब इसमें से बताइए, अदर को छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़ दीजिए। अब दो में यहाँ पर दीजिए, ये वाला सही होगा ये सही होगा। परिभाषा सुनिए, जो क्रिया लगातार होने की सूचना देती है वहां कौन सा का होता है, तो वहां पर सत्य बोधक पक्ष का होता है। अब यहाँ पर देखो दिया गया कौन सा, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। अच्छा पढ़ा रहा है ना, पढ़ा रहा है तो आपका लगातार क्रिया कौन हो रही है, ये क्रिया आपकी लगातार आपकी हो रही है, ठीक है ना। तो परिभाषा के अनुसार आपको लगाना है, क्योंकि परिभाषा ये होती है। क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया ना। चलिए लॉक कर देते हैं ऑप्शन डी को, ठीक है। चलिए, और बहुत लोग कहते हैं मंदिर में वो जाता है स्नान करके, भाई हम तो कभी कभी मंदिर हमारे बगल में है वहां पर बिना नहाए पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह लेट जाते हैं, आराम मिलती है, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता कि नहाने के बाद ही कोई मंदिर में जाएगा, ये 100% आपका नहीं है, ठीक है ना। बस पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ऑप्शन आपको डी आएगा, और निगेटिव लेंगे तो कुछ भी निकल आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए पादप का पर्यायवाची आपको चुनना है, पादप का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए यहाँ पर दिया गया है पादप का पर्यायवाची क्या बनता है, तो पादप मतलब होता है पेड़ों से रिलेटेड होता है, मतलब पौधा होता है। और पौधा कहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी दिया गया है, पौधा यहाँ पर लगा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला दिया है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। बहुत बार हमने आपको बताया है विशेषण और विशेष के जो योग बनता है समास कौन होता है, यह हम लोग उपमेय और उपमान भी कह सकते हैं। तो ये आपका कौन सा होता है, ये होता है आपको ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका कर्मधारय समास, है ना। हमने जैसे आपको उदाहरण बता दिया, एक उदाहरण दे दे रहे हैं, जैसे आपको हम बता दें नील कमल, है ना, क्या दिया है, नील कमल दे दिया। अब ये बताइए यहाँ पर जो विशेष क्या है, वो कमल है, क्योंकि इसकी विशेषता हो रही है। नीला क्या है, तो आपका कमल है, अर्थात नीला सदा का विशेषण हो जाएगा, अर्थात जहां विशेषण और विशेष हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। दोनों ही पद क्या होते हैं, अपने आप में यहाँ पर प्रधान होते हैं। आगे आते हैं प्रसाद शिला, सॉरी यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि आपका विशेषण और विशेष होते हैं, ठीक है। दोनों पद जो प्रधान होते हैं वो आपके इसमें होते हैं, आपके बी वाले में। दोनों पद जो प्रधान होते हैं ये द्वंद्व समास में होता है, पहला पद प्रधान होता है द्विज समास में, ना, तत्पुरुष समास का जो आपका अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। चलिए आते हैं हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। इसका अगर हम जवाब ना दे तब भी आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अतिशयोक्ति है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है ना। ऑप्शन बनेगा कौन सा, ए नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसाद शिला पूछा गया है तेरा भाई का बहुवचन बताइए, भाई का बहुवचन बताना है, और यहाँ पर जो आपका जवाब है वो कौन सा हो जाएगा। चले यहाँ पर 100% है जवाब, यहाँ पर लगभग 100% सभी के गलत आने के चांस हैं, यहाँ पर 100% सभी के जवाब यहाँ पर गलत हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं जवाब इसका सही किसका बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब भाई भाई तो होगा नहीं है, भाइयाँ दिया है, भाइयों दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब, यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर आपका ए नंबर, और कुछ लोगों के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं बी नंबर, जो कि दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, भाइयों होता है, क्या होता है, भाइयों आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। लगता है हमारे कहने की वजह से आप लोग कन्फ्यूज हो गए, ये लगता है सर कुछ नया चीज होगा इसलिए तो बोले होंगे, है ना। चलिए यहाँ पर दिया है नेता का स्त्रीलिंग बताइए, नेता का स्त्रीलिंग बताना है, यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, काफी लोग कंफ्यूज तो जरूर हुए होंगे, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है 16 नंबर में, तो 16 का जवाब नेता का क्या होता है, नेत्री होता है, बिल्कुल जो कोई दिक्कत नहीं है, नेता का होता है नेत्री होता है, जो कि आपका जवाब कहाँ पर है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला दिया गया है भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो बोला जाता है त्रिकालज्ञ, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं त्रिकालदर्शी, जो तीनों को देख सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, त्रिकालदर्शी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है देवनागरी वर्णमाला में जो आपका ऋषि है वो आपका है क्या, संकर व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है, व्यंजन है, या आपका स्वर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कि ये जो आता है वो आपके किस में आता है। चलिए 18 वाले में देखते हैं किसका जवाब किसका सही होगा, लगभग यहाँ पर गलत होने के चांस आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब सही बनेगा,
ऑप्शन आपका बी कह रहे हैं, संयुक्त अक्षर होता है। देखो यहाँ पर ऋषि जो आपका है ये आपका संयुक्त में नहीं आएगा, ये आता है किसमें आपके, ये आता है किसमें आपके स्वर में आता है, किसमें आता है स्वर में आता है। और कल भी हमने आपको बताया था कि वर्णमाला के जो सभी आपके वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पुरलिंग होते हैं, लेकिन जो आपकी छोटी होती है, बड़ी होती है और ऋषि होते हैं, ये आपके तीन क्या होते हैं, जो कि अपवाद में क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि आपका दिया गया है कौन सा, यहाँ पर दिया है डिप्यूटेशन, अस्थायी नियुक्ति बन जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों में क्या शब्दों क्या था आपको बताना है, कह रहा है असाध्य और असाधु, ये बताइए असाध्य मतलब क्या होता है और असाधु मतलब क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो असाध्य मतलब होता है जो बहुत कठिन हो, जो हम लोग कर ना सके, है ना, बहुत कठिन तपस्या बोलते ना असाध्य। तो यहाँ पर याद रखिए असाध्य मतलब होता है कठिन। अब यहाँ पर दिया असाधु, असाध मतलब होता है जो दुष्ट होता है, क्या होता है, दुष्ट होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, कठिन और दुष्ट आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे नीचे दिए गए वाक्यों के सही मोहर आपको बताना है, कह रहे हैं युवकों को होने पर ही विवाह करना चाहिए। भाई युवकों को क्या होना चाहिए, जब युवा हो तभी विवाह करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है जब मर्जी हो तब कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है भाई, शादी तो होना ही होना है, शादी तो होना ही होना है कि नहीं है, जॉब मिले कि ना मिले इसकी गारंटी नहीं है, मतलब कि गारंटी नहीं है, लेकिन शादी की गारंटी है कि 90% चांस होते हैं कि सबकी शादी हो सकती है। तो मतलब यहां पर क्या भरेंगे भाई, यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर हम लोग ये भरेंगे कौन सा, अपने पैरों पर खड़े होना। याद रखिए यहां पर 21 का ऑप्शन बनेगा सी, अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए, है ना। अब माता पिता के भरोसे हो जाओगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, कह रहा है राजमहल शब्द आपका कौन सा है, चलिए यहाँ पर आपका राजमहल शब्द जो आपका है वो आपका कौन सा है, तद्भव दिया है, तत्सम दिया है, देशद दिया है और आपका यहाँ पर संकर दिया है। और इस प्रश्न का जवाब दोगे तो हम समझेंगे कि इसका जवाब सही कौन सा हो जाएगा, है ना। कह रहे लड़कियों को कब होना चाहिए, लड़कियों को क्या है, बीए पास हो गए, एमए पास हो गए, इसके बाद क्या है, व्रत कर लो, व्रत रख लो, इसके बाद शादी हो जाएगी, खत्म कहानी। लड़कों को क्या है, लड़कों को तो जीवन भर क्या है, कमाने पड़ेगा, है ना। चलिए भाई राजमहल दिया गया है, कह रहा है डी नंबर होगा, मतलब सब लोगों का जवाब एक साथ कैसे एक सही हो सकता है, एक साथ सभी का सही हो सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन डी होगा संकर। संकर क्या होता है, हमने बताया देखो राज है और फिर आपका महल दिया है, है ना, राज है और आपका महल। यहां पर जो राज है, राज ये संस्कृत शब्द है, कैसा है, संस्कृत शब्द है। और जो महल है, महल ये आपका अरबी आपका है, तो आपका संस्कृत और अरबी मतलब कह सकते हैं दो भाषाओं को मिलाते हैं तो संकर शब्द आपका बन जाता है, है ना। चलिए आते हैं। प्रशांत सिंगला पूछा गया है, कह रहा है सम उपसर्ग का म किस शब्द में सुनाई पड़ता है, और यह प्रश्न आपने कई बार आप पढ़ा है ना, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा हो, बहुत बार पढ़ा है। संयम दिया है, संवाद दिया है, संभावना दिया है और आपके यहां पर संख्या दिया है। हमने एक पॉइंट भी बताया था अनुनासिक, है ना, ये पॉइंट में, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जब निकालेंगे तो आपके पास ऑप्शन जो निकलेगा उससे निकलेगा ये बार आपका बन जाएगा संभावना, इसमें से आपको निकल कर आएगा संभावना में। ठीक है, मतलब यहां पर कह सकते हैं कि इसमें होता है, और हमने बताया कि मां अनुसार आपका यहां पर पाया जाता है, जो कि आपका आधा आपका होता है अनुसार में। आगे आते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, कह रहे हैं कि ये गलत है सर लड़कों की, अच्छा हम लड़कियों का पक्ष नहीं लेते हैं, सबका पक्ष एक जैसा होगा। चलिए और लड़कियों को भी पढ़ाई करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी के लिए सोचना चाहिए, है ना, पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां पढ़ाई ज्यादा कर लेती हैं, लड़के उससे ज्यादा करते हैं, लड़कियां उससे ज्यादा करती हैं, लड़के उससे ज्यादा करते हैं, लड़कियां उससे ज्यादा करती हैं, मतलब सब करते हैं, क्योंकि एक को बोलेंगे तो दूसरा कहेगा यार हमारी बेइज्जती कर दिया। चलिए बताइए भाई 24 नंबर में बताइए जवाब क्या बनेगा। यहाँ पर देखो आदर का विशेषण क्या होता है, आदर का विशेषण पूछा गया है, तो हम लोग कह सकते हैं आदर का हो जाएगा आदरणपूर्ण, मतलब आदरणीय बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आदरणीय आपका हो जाएगा, मतलब आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर 24 का बनेगा सी नंबर, आदरणीय बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है ये बताइए, और हमने आपको अकर्मक क्रिया की पहचान बहुत अच्छे से बताया था। कह रहे हैं मजदूर चाय पी रहा है, तो पी रहा है क्या, पी रहा है चाय पी रहा है ना। बालक बहुत देर से रो रहा है, हमने यहाँ पर पूछा बहुत देर से रो रहा है, रोना क्या है, रोना जो आपकी क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या रो रहा है ना, हमने क्या बोला क्या रो रहा है, तो भाई क्या रो रहा है, तो आपको जवाब मिला नहीं मिला है, तो हमने बताया था रोना हंसना सोना ये जो आपकी होती है ना, ये हमेशा अकर्मक क्रिया में ही होती है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और कब मनाते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, गलती होने के चांस आ चुके हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। चलिए बहुत अच्छे जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन ए आ रहा है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके खाते से एक नंबर काटे भी जा रहे हैं, है ना, यहाँ पर एक नंबर काटे भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है विश्व हिंदी दिवस, और यहाँ पर जो आप लोग लगा रहे हैं ना 14 सितंबर, ये विश्व हिंदी नहीं है, ये जो आपका याद रखिए विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, कब मनाते हैं 10 जनवरी को, याद रखिए ऑप्शन बनेगा डी ना कि आपका ए, समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस दिया गया है ना, समझ में आ गया ना, गलतियां यही होती हैं,
और एग्जाम में भी ऐसा होता है, जल्दी से लगा देते हैं और गलतियां यहीं पर होती हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं प्रश्न। अगला पूछा गया है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन से हैं? कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है तुलसीदास, जो कि जवाब भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, तुलसीदास आपका हो जाएगा। आगे आते हैं, कह रहे वाचिक होते हैं, वाच्य होते हैं जो कि आपके यहाँ पर देखा जाए तो 2 से 3 नंबर बिल्कुल सॉलिड हो जाते हैं इसमें आपको पढ़ने से। वाच्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर, मतलब 3 प्रकार के होते हैं जो कि आपका बिल्कुल सही है। एक कृत्यवाच होता है जब कर्ता पर फोकस होता है, एक कर्मवाच होता है जब कर्म पर फोकस होता है, एक भाववाच होता है जब भाव पर फोकस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सलाह दिया गया है, यहां पर दिया गया त्रुटिपूर्ण अंश को आपको बताना है और त्रुटि ना हो तो आपको डी को लॉक कर देना है, है ना। चलिए लॉक करते हैं। यहां पर कह रहा है समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो यहां पर बताइए क्या कोई गलती है या नहीं है, क्या कोई गलती है या गलती नहीं है, यहां पर बताइए। क्या अगर कोई गलती दिख रही है तो जवाब दीजिए। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, यहाँ पर देखो सदुपयोग जो आपका कह सकते हैं आपका दिया तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं दिया गया है। उपयोग यहाँ पर नहीं बोलेंगे, सदुपयोग जो आपका होता है मनुष्य समय के सदुपयोग द्वारा, सदुपयोग आपका हो जाएगा। अच्छा भैया यहाँ पर सदुपयोग हो जाएगा क्या, डी नंबर आपका होगा। चलिए ए नंबर आपका आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। मनुष्य सदुपयोग द्वारा मनुष्य समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, यहाँ पर जो त्रुटि है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पर डी नंबर 26 का ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये राइट आपका आंसर है। ठीक है, राइट आपका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दिया गया है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? चिरंतन का विलोम पूछा गया है, चिरंतन का विलोम क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे चिरंतन का विलोम होता है नश्वर, है ना। चिरंतन मतलब जो हमेशा से चला आने वाला होता है, नश्वर मतलब समझ गए होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, चिरंतन का नश्वर हो जाएगा। अगला दिया गया यहाँ पर आपका पद्यांश दिया गया है, जो कि 31 से 34 नंबर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पद्यांश से पढ़ लीजिएगा, आसानी से 4 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और ये जो 4 नंबर है अपने खाते में आप जोड़ सकते हो, लेकिन ये 4 नंबर जोड़ने के बाद आप लोग काउंट जरूर करिएगा कि 4 प्लस के साथ साथ आप कितने नंबर लाए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आज हम पद्यांश को छोड़ दे रहे हैं, अगले जो आपको मिलेगा तो कभी सॉल्व कर देंगे। कह रहे स्टेशन किस भाषा का शब्द है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? चलिए कुछ लोगों के जवाब तो बहुत जल्दी आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका देशज, लेकिन भाई ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया कौन सा, ऑप्शन आपका बी स्टेशन जो दिया गया अंग्रेजी है। याद कैसे रहेगा, याद ऐसे रहेगा कि जो भारत में अंग्रेज लोग आए थे वही इन्होंने क्या किया था, ट्रेन चलाया था, और ट्रेन के लिए क्या होते हैं, स्टेशन होते हैं, और स्टेशन से हो जाएगा क्या आपका अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, जिस समाज में दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, जिस समाज में दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो भाई उसे क्या कहेंगे, तो हम लोग यहाँ पर अभी बताया भी थे कि यहाँ पर जो आपका दिया है बी नंबर द्वंद्व समास। देखने से आपको यहाँ पर याद रखिए, कभी अगर आपको दिक्कत हो, कभी आपको कंफ्यूज में हो, तो याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा शब्द होता है जो दोनों ही पद आपके समान होते हैं, लिखे होते हैं। तो देखो यहाँ पर द्वा जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, द्वा भी लिखा है, मतलब दोनों जगह ही द्वा और द्वा लिखा है, मतलब अब आपको याद रहेगा, गलती मत करिएगा, द्वा द्वा मतलब दोनों ही पद आपके समान होंगे, ये एक प्रकार से पहचान के लिए बताया है। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। प्रसाद शिला पूछा गया है, कह रहे या लकुटी अरु कामरिया पर जाजती हूँ पुर को ताजी डारो, इस पंक्ति में पूछा है कि जो छंद है वो आपका छंद कौन सा है, यहाँ पर जो छंद है आपका कौन सा है। अगर हम लोग मात्राएं भी निकालेंगे, अगर इसमें से हम लोग मात्राएं निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बस मात्राएं लगाना होगा। यहाँ पर सिंगल करेंगे, डबल सिंगल, सिंगल डबल, ठीक है, फिर यहाँ पर सिंगल, फिर यहाँ पर छोटा रू है तो आपका सिंगल, फिर यहाँ पर डबल, कुल मिला के जब इसकी मात्राएं निकालोगे ना तो आपके पास लगभग निकलेंगे 32 मात्राएं लगभग होंगी। ये जो आपका निकलेगा, इसका जवाब जो बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी, ये सवैया छंद है। क्या है, सवैया छंद है, जो कि काफी लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ चुके हैं, सवैया छंद आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद शिला पूछा गया है, कह रहा है आंशिक शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा है, आंशिक, आंशिक दिया गया ना, मतलब यहाँ पर 2-3 बार बोलोगे तो आपका जवाब आपके पास मिल जाएगा, आंशिक क्या निकला है, आंशिक मतलब ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, 38 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना। अच्छा कैसे तोड़ा जाता है, इसे कैसे तोड़ेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि अंश तो साथ में है, इसका मूल शब्द जो आपका है अंश है, और एक जो आपका इसका क्या है वो प्रत्यय है, इस कारण से जवाब हो जाएगा सी नंबर। आगे आते हैं, छप्पे में होते हैं, छप्पे में होते हैं तो आप बताइए, जो छप्पे में होते हैं उसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, अब पूछा गया है कि इसके 2 चरण जो होते हैं वो किसके होते हैं। याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसका जो जवाब बनेगा वो बनेगा ए नंबर, कि प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण होते हैं उल्लारा के होते हैं, और इन दोनों को जब मिला देते हैं वहां पर क्या बनता है, छप्पे हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे आते हैं प्रश्न, अगला पूछा गया है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द बताइए, जब कोई खास शर्तें होती हैं
कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता होता है, तो ऐसे समझौते को जो बोलते हैं वो बोलते हैं संविदा। क्या बोलते हैं? संविदा बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संविदा हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखे भी होंगे कई ऐसी भर्ती होती हैं जिसमें से आपको कई शर्तों पर रखा जाता है, है ना, कई शर्तों के साथ रखते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो आपको हटा भी देंगे। तो ये आपका होता है संविदा डी नंबर। आगे आते हैं, जिसके सहृदय कोई दूसरा ना हो के लिए शब्द आपको बताना है। जिसके सहृदय दूसरा कोई ना हो, जब उसके समान दूसरा नहीं होता है उसे बोल देते हैं अद्वितीय। अब अद्वितीय जो लिखा है वो कहां पर लिखा है? ये लिखा है ऑप्शन सी की ओर, अद्वितीय। इस प्रकार से राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है महेश के लिए सही संविच्छेद चुनना है। महेश के लिए सही संविच्छेद क्या होगा? तो सबसे पहले पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि जब कभी भी एक ही मात्रा होती है वहां पर आपकी संधि कौन सी होती है, और जब भी एक ही मात्रा लग जाए वहां पर आपकी होती है कौन सी? गुण संधि होती है। क्या होती है? गुण संधि होती है। गुण संधि वाले तीन रूल होते हैं, या तो एक ही मात्रा होगी, या तो ओ की मात्रा होगी, या तो आपका आर होगा। तीन ही आपको बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। तो यहां पर आपका जो जवाब है वो बन जाएगा कौन सा? महाधन ईस, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रेरार्थक क्रिया जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? प्रेरार्थक क्रिया जिस पर आपकी प्रेरणा दी गई हो, जिस पर प्रेरणा दी गई हो, तो कुल मिला के यहाँ पर दिया गिरना, बोलना, सुनाना और कहना। जवाब आपको मिल गया है ऑप्शन आपका सी, इनमें से मिल रहा है कि प्रेरणा कहीं ना कहीं दी जा रही है, किसी बोला जा रहा है कि प्रेरणा दिया गया है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। इस पंक्ति में पूछा है कि रचना के अनुसार जो अलंकार है वो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा 44 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो, बहुत ईजी है, अगर आपने दिमाग लगा दिया तो सही बता दें कि इस वीडियो का सबसे सरल प्रश्न आपका यही होगा। बस यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट है आपके पास है, और वो पॉइंट अगर आपने देखा होगा 100% आपने यहाँ पर सही कर लोगे। चलिए जवाब आगे हैं बी नंबर, मतलब हमारे इतना बोलने पर आप समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं सर ने कुछ बोला है तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक होगा। जी हाँ, लॉजिक है। लॉजिक क्या है? यहाँ पर देखो प्रश्न लगा है ना, और यहाँ भी आपको प्रश्न लिखा है, और ऐसा कोई अलंकार आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको प्रश्न लगा है। और अगर प्रश्न लगा है इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन भी कौन सा है? प्रश्न अलंकार आपका हो जाएगा, है ना। तो देखो कितना ईजी था, बहुत ईजी था। अगर जिसको नहीं पता है इस पॉइंट को तो भाई वो गलती कर ही देगा, कहेगा सर जी पता नहीं कैसा क्वेश्चन आया था, अब हम क्या बताएं, है ना। तो याद रखिए ये आपका होता है बी नंबर, जहां भी प्रश्न लग जाए वो प्रश्न अलंकार होता है। आगे आते हैं प्रश्न अगला है, किस शब्द का संविच्छेद गलत दिया गया है। चलिए 45 नंबर में चेक करिए जल्दी, यहां पर जो गलती है वो किसमें आपकी गलती की गई है। पहला दिया है प्रतीक्षा में, दिया है प्रतिधन इच्छा दिया है। क्या दिया है? प्रतिधन इच्छा दिया है। तो भाई हम लोग यहां पर बोलेंगे कि ये क्या जो पॉइंट है क्या सही है या नहीं। तो देखो प्रतिधन इच्छा जो आपका दिया है गलत है, क्योंकि इसका जो सही बनता है वो आपका बनता है कौन? बड़ी ई होती है, यहां पर होती है बड़ी। तो कुल मिलाकर यहां पर जो पहला पॉइंट है यही यहां पर आपका गलत हो गया, तीनों आपके यहां पर सही दिए गए थे, ठीक है। आगे आते हैं, एक और अजगर लखी, एक और मनगर आए, विकल बट वही बीच में, बीच ही परियो मूर्छा खाए। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि एक ओर आपका क्या है? अजगर है, है ना, एक ओर अजगर है, एक ओर आपके क्या है तो आपका मृगराज है, है ना, और बीच में कोई व्यक्ति है। तो भैया ऐसी स्थिति में क्या होगी? ऐसी स्थिति में उसको क्या होगा? तो भयानक रस की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, भयानक रस आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं प्रश्न अगला है, नथने फूल जाना, ओठ फड़फड़ाना, दिल धड़कना इत्यादि जो आपकी है क्या? नथने फूलना मतलब होता है जब कभी कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो आप देखे होंगे जो नाक के ऊपर टुन्ना होता है ना वो ऐसे ऐसे फूलाएगा, बिल्कुल सिखो गुस्सा होगा, नाक बिल्कुल फूलेगा, होता है नहीं। फिर दिया ओठ फड़फड़ाना, मतलब बकर बकर बोलेगा, कुछ मुंह में बोलेगा लेकिन बाहर निकलेगा नहीं, है ना, दिल धक 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 होने लगेगा। ये जो आपके होते हैं क्या होते हैं? ये आपके अनुभव होते हैं, अनुभव होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाए, इन्हें अनुभव बोलते हैं। मतलब अनुभव को बोलते हैं कायिक अनुभव, जो आपके कुछ क्षण के लिए आपके होते हैं, कुछ क्षण के लिए आएंगे, बहुत देर तक नहीं रुकते हैं, बस आएंगे थोड़ी देर बाद, और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, है ना, देवी जी मान जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है कर का अर्थ होता है, कर का अर्थ क्या होता है? यहां पर सही कौन सा हो जाएगा? तो कर मतलब आपका यहां पर हाथ भी हो गया, एक तो पॉइंट मिल गया, कर मतलब हाथ होता है, कर मतलब किरण भी होता है, और कर मतलब क्या होता है? तो आपका यहां पर कह सकते हैं व्यवसाय भी दिया है और आपका टैक्स भी दिया है। अभी बताइए कि कौन सा जवाब हो जाएगा यहां पर राइट। चलिए डी नंबर आ रहा है, डी नंबर आ रहा है सभी का डी नंबर। तो देखो बिल्कुल सही है कि कर मतलब आपका टैक्स होता है, हाथ होता है, कर मतलब आपका किरण भी होता है, और कर मतलब आपका टैक्स भी होता है। जवाब हमने कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं प्रश्न, सिला पूछा गया है, कह रहे निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। चलिए कह रहे हैं मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने तो देखो मैं और ने दूर दूर लिखा है, मतलब यहां पर आपको दिक्कत मिल रही है। अगर आप देख पा रहे हो कौन से वाले को, ऑप्शन सी वाले को, तो बिल्कुल सही जवाब लिखा है कि मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, जो कि राइट आपका सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आसानी से इसे अरेंज करके एक आसान से बना सकते हैं। चलिए प्रयास करिए कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर बड़ा आ है ना, बड़ा आ है तो आपका ये तो रहेगा ही, है ना, ये तो आपका रहेगा ही। इसका मतलब है जब बड़ा आ है तो ये जो आपका दिया ये गलत हो गया, सी वाला आपका गलत हो गया, ठीक है ना, ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो आपका दिया गया बड़ा आ, दिया गया बड़ा, इसका मतलब या के
बाद बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन यहां पर देख सकते हैं या में क्या बड़ा आ है, नहीं है, मतलब ये भी आपका गलत हो गया। अब दो गलत हो गए, अब दो आपके बच्चे हैं। यहां पर देखो आपको पता है कि नहीं आर्यावर्त होता है, तो इसलिए आपने तुरंत सही कर दिया कि नहीं आर्यावर्त यही होगा, क्योंकि यहां पर व्रत लगा है जो कि गलत दिया गया है। इस प्रकार से इनको पकड़ते हैं, दो ऑप्शनों को खत्म करिए, दो को पकड़िए, फिर एक को खत्म करिए और एक बचा दीजिए, यही पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। बस यही पर आपका आज का जो खेल है वो समाप्त होता है।